नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपके उसमें एग्जाम में रखी जाती है, तो ये 50% जो कॉमनली आता है, मोस्ट कॉमनली 50%। हालांकि ये 25% और 50%, 25% और 50% दोनों आता है। अगर 25% होगा तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 25 mg/ml बनेगा, 50% होगा तो 50 mg/ml बनेगा। 25% मतलब 25 g/100 ml, ठीक है। इसको ग्राम को 1000 कर देते हैं, मिलीग्राम में बदल गया, दो जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 250 mg/ml और 500 mg/ml बनेगा। ये डोज क्या होता है, 25 to 50 mg/kg/डोज, 25 से लेके 50 mg/kg। यूजली हम 50% 50 mg/kg देते हैं, 50% वाला यूज करते हैं, तो रूल ऑफ 50 याद कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वन टाइम्स जो डोज होगा 2 ग्राम, एक बार में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। मैक्सिमम डोज जो एक बार का है वो 2 ग्राम हो सकता है। इसकी एक खास बात है, बहुत ही खास बात है कि ये आल रूट, ये एक ऐसी ड्रग है जिसको सभी रूट से दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, सबक्यूटोनियस और आई एम। आई भी आई एम सबक्यूटोनियस एम अस्थमा में यूज करते हैं, ओरल हमने सैम में बताया था। सैम में पहला इंजेक्शन आई एम देते हैं, उसके बाद फ्रेश डोज 14 दिन तक ओरल देते हैं। तो हम बता चुके यूजेज क्या है, गायनी में आप पढ़े होंगे एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी में जो सीजर आता है उसमें, स्टेटस अस्थमेटिकस में जब सारी ड्रग फेल हो जाती हैं तो ये रामबाण की तरह यूज किया जाता है, रेफ्रैक्टरी रिकेट्स जब रिकेट्स सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण नहीं बल्कि मैग्नीशियम की कमी के कारण भी होता है। अगर मैग्नीशियम के कारण कमी के कारण होगा तो वो कैल्शियम और तुम्हारा विटामिन डी से नहीं इम्प्रूव करेगा, जब कैल्शियम और विटामिन डी से नहीं इम्प्रूव करेगा तो वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, तो रेफ्रैक्टरी रिकेट्स में मैग्नीशियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीमैच्योरिटी प्रिवेंशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं, प्रीमैच्योर बेबी जो डिलीवर होते हैं उनको प्रीमैच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। सैम में मैंने बताया था, सैम में पूरा पढ़ा चुका हूँ कैसे सैम यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है न्यूरोप्रोटेक्टिव इन पेरीनेटल एस्पेक्सिया, पेरीनेटल एस्पेक्सिया में न्यूरोप्रोटेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। कैसे, इसका जो डोज होता है वहाँ पे 125 to 250 mg/kg/डोज, 0, 24 और 48 आवर्स, 3 डोज देते हैं। चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई, चाहे 125 mg/kg/डोज, चाहे 250, हम 250 वाला प्रेफर करते हैं। एट दैट टाइम दिए, 24 घंटे बाद दिए, 48 घंटे। खास बात है कंप्लीट विद इन 72 आवर्स, बर्थ के 72 आवर्स के पहले तीनों डोज कंप्लीट करना है। यानी अगर कोई बच्चा 48 घंटे पे आए तो तीनों डोज हो नहीं पाएगा, तो देने का कोई मतलब नहीं। इसलिए एज अर्ली एज 6 घंटे के अंदर दे देते हैं। अगर ये जीरो वाला डोज है, अगर 6 घंटे के अंदर दे देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और हमें विद इन 72 आवर्स तो कंप्लीट करना होता है। ये क्या करता है, सेकेंडरी इंजरी प्रोडक्शन, जैसे कोई पेरिनेटल एस्पेक्सिया होता है तो डिलेट कराई हुआ तो ऑक्सीजन देर से पहुंची, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची ब्रेन में तो उसके कारण जो इंजरी होता है उसे प्राइमरी इंजरी कहते हैं, प्राइमरी। और उसके बाद जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल के कारण इंजरी होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी इंजरी। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा इंजरी को प्रवन करता है, सेकेंडरी, ये इंपॉर्टेंट।